एक और चीज भी ना, हमारा जो यंग टैलेंट है वो बाहर जा रहे हैं, बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। क्या करें बेटा, बिकॉज यहाँ पे। और एक और बात है, पूरी दुनिया रोमांस है, एक होता है जिस धरती पे आपने जन्म लिया हो। अब मैंने कहा ना कि मेरी कमजोरी है, मैं घर से निकल के अगर कभी कैंपस की नहर से गुजरता हूँ तो आप सोच भी नहीं सकते मेरे साथ क्या गुजरती। मैं न्यू कैंपस था उस वक्त, ये इसके सिर्फ 5 हॉस्टल थे लड़कों के, तो हॉस्टल नंबर 1 रूम नंबर 104 मेरे दिल पे लिखा है, आई हैव लिव्ड देयर फॉर 5 ईयर्स। तो मुझे तो सुल्लू अंकल कहा करते हैं, वो जब कभी आते हैं कनाडा से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इज लिविंग इन कनाडा, क्या करें। ये आपने क्या बात क्या की थी आपने कि यूथ जो है दे आर शिफ्टिंग नाउ। हां तो बेटा क्या है यंग टैलेंट, आपका क्या ख्याल है हमारे यूथ को? देखो अगर अपनी वो कहते हैं ना रियासत होगी माँ के जैसी, अगर रियासत सौतेली माँ से बदतर है तो जाओ कहीं और जाओ। ये मुल्क शुल्क ये तकसीम जो है ये इंसानों की है ना, अल्लाह पाक ने तो कुर्रा अर्ज बनाया, और हमारे जैसे चपड़ गना दिए छोड़ दिए ऊपर। ये मुल्कों शुल्कों का ये ईजाद तो इंसान की है, अल्लाह पाक ने तो नहीं कोई मुल्क बनाया ना, अल्लाह पाक ने तो बनाया। और मैं एक मखलूक मुख्तलिफ किस्म की बनाई जिनमें से एक है जिसे इंसान कहते हैं, हालांकि इंसान तो कहना नहीं चाहिए, ख़ास तौर पे हमारा जैसा जो माशरा है, हम आदमी हैं इंसान नहीं है बेटा। इंसान होना सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी, ये सेपियंस जो है ना, हमारी जो स्पीशी है इसके लिए आदमी से प्रमोट होकर इंसान बनना, यही जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज। बाबा अभी आप सलू अंकल की बात कर रहे थे और पुराने टाइम पे लाहौर की बात कर रहे थे, तो अब के लाहौर में और पुराने लाहौर में कितना डिफरेंस आ गया है? बड़े सच्ची बात यह है, पहले भी हम जानवर थे, अब भी जानवर ही हैं, लेकिन पहले चूँकि पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, 86 में जब बेनज़ीर भुट्टो आई हैं एग्जाइल से, तो लाहौर की पॉपुलेशन थी मेरा ख्याल है 35 लाख, अब 1,40,00,000 है। तो पहले इतना चूँकि इट वॉज़ नॉट सो क्राउडेड, तो अब चूँकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है इसलिए हमारा वो जो अंदर का जानवर है वो ज़्यादा। और एक बात याद रखना, हमारा हुक्मरान जो ज़हनी तौर पे बहुत पस्त है उसको अंदाज़ा नहीं है। याद रखना अगर इस मुल्क के ट्रैफिक में डिसिप्लिन आ जाए उसके असरात बहुत दूर तक जाएंगे, इंसानों का घरों में रवैया बदल जाएगा, अपने अपने मोहल्लों में रवैया बदल जाएगा। ये ट्रेनिंग है, बहुत खौफनाक किस्म की ट्रेनिंग है। ये वे किसी को रास्ता देना, अपनी लेन को ऑब्जर्व करना। एक बात याद रखना, मैंने बहुत पहले एक ट्रेवलॉग पढ़ा था, हमारे यहाँ तो जो सफ़रनामे लिखते हैं वो तो पता नहीं क्या करते हैं, उसका नाम था, मैं वो ऑथर का नाम भूल रहा हूँ, उसका नाम था अर्थ माई फ्रेंड। उसमें वो लिखता है कि मुझे किसी भी मुल्क में ले जाओ, मैं उसके एयरपोर्ट पे उतरूं, वहाँ से जहाँ मैंने चेक इन करना है जिस होटल में, वहाँ तक जाते जाते मैं उस कौम का पूरा पोस्टमार्टम कर दूँगा, वो कौम बिल्कुल उरियाँ होकर मेरे सामने आ जाएगी। दलील क्या देता है कि एयरपोर्ट से लेके घंटे 1.5-2 घंटा जो मैं सड़क पे गुजारूंगा, यानी लैंड किए हुए 1.5 घंटा हुआ है, 1.5 घंटा उसने सड़क पे गुजारा है, कौम बिल्कुल नंगी होके सामने आ गई कि इनकी औकात क्या है। कैसे? डिसिप्लिन। जिंदगी में ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कोट करते हैं, इनको कोई शर्म हया मौत नहीं, उन्होंने क्या यूनिटी फेथ डिसिप्लिन। जुल्म क्या है? जुल्म है अपनी हदूद से तजावुज करना। ये देखो ना ऐश्रे है, ये सोने की भी हो अगर तो मैं इसमें पानी नहीं पीऊंगा, चूंकि वो जुल्म है। इट इज मेंट फॉर समथिंग एल्स।
सो डिसिप्लिन जिंदगी की बुनियादी तरीन जरूरियात में से एक है जिसका नाम निशान नहीं है हमारे मुल्क में। लाहौर दूसरा अहम, दूसरा बड़ा और बहुत ही तारीखी शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है, लेकिन करने वाले यहाँ मेरे जैसे जिनको तमीज़ नहीं, एक आदमी है वो अपनी बेडरिडन बीमार वहाँ के लिए दवाई लेने आया है, वो फार्मेसी में घुसा है, छोटी सी उसकी गाड़ी है, पीछे को मरदूद है जो लैंड क्रूजर खड़ी कर जाता है, वो इंसान है, रास्ता नहीं देते, लेन ऑब्जर्व नहीं करते। अब ये अजीब, सबसे भयानक माशरा वो होता है बेटा जहाँ ड्रॉ करना ना लाइन ड्रॉ करना मुश्किल हो जाए कि ये जालिम है मजलूम है, कि ये जायज़ है नाजायज़ है, ये सही है या गलत है, इसका फैसला करना जहाँ मुश्किल हो जाए, वो सबसे काबिल नफ़रत समाज होता है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। अब अगर मैं देखता हूँ कि एक मोटर बाइक है, एक औरत बैठी है, पांच बच्चे हैं, लेन भी उसकी गलत है, कभी वो इधर जा रहा है, अब मैं क्या करूं उसका, उसकी मजबूरी है, उसके पास ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई चार्जी का बंदोबस्त है, वो एक मोटरसाइकिल पे पूरा ख़ानदान लेके जा रहा है लेन का, उसको कोई तमीज़ ही नहीं है। हम वो लोग हैं, देखो बात सुनो, ये चीज़ें ऑब्जर्व होती हैं जिन्होंने इन चीज़ों को जन्म दिया होता है। वेस्ट में आप चले जाओ, मतलब जैपनीज हैं, वो मिड नाइट दूर दूर तक ट्रैफिक बंदा ना बंदे का निशान, वो अगर सिग्नल पे रेड है वो रुक जाएगा। सो ये जो हमारा कदम कदम पे यही हाल है इस कौम के, ये चोर डाकू लुटेरे तो ये थे, मैं तो 32 साल से ये लिख रहा हूँ, मैं तो बल्कि कल परसों किसी ने कहा है कि पीटीआई ने तो आपकी लाइन ली, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक ली है अगर मेरी लाइन ली है, मेरा तो 33 साल से किताबें भरी हुई हैं, मैं तो कॉलम्स के मजमूए हैं। ये वो जानवर लोग हैं, इनको लूट मार के अलावा आता ही कुछ नहीं, या ये वोट के लिए काम करते हैं या ये नोट के लिए काम करते हैं, इनके दिमागों में नहीं है, ये कचरा भरा हुआ है कि यार हमने अपने कौम को डिसिप्लिन करना है, इसको डूज एंड डोंट सिखाने हैं, इनको राइट और रॉन्ग की, काले और सफ़ेद की तमीज। लेकिन दूसरी तरफ मैं सोचता हूँ शायद ये बहुत मक्कार और ज़हीन लोग हैं, खबीस लोग हैं, चूँकि जानते हैं कि अगर इनको तमीज़ आ गई तो कल इनको ये तमीज़ भी आ जाएगी कि हमें चित्र मारने हैं, वोट नहीं देने। तो आई डोंट नो, ट्रैफिक जिस मुल्क में जाओ 15 मिनट में एक्सपोज हो जाएगा, 15 मिनट सड़क पे आप किसी मुल्क के किसी शहर में जाते हो, 15 मिनट आधे घंटे में देख लोगे इनकी औकात क्या है, इनकी शक्लें क्या है, इनके ये कौन लोग, ख़त्म। अभी अभी हम जब बात शुरू की थी तो आपने बेनज़ीर भुट्टो को मेंशन किया है, आपका उनके साथ रिलेशन कैसा था? मेरा उनके साथ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और मैं तो उस वक्त आई वॉज वेरी यंग और भुट्टो की शहादत के बाद तो वो लगता था जैसे पता नहीं देवी है जो जंग लड़ रही है और ये है और वो है सारा। तो और एक बात मैं आपको बताऊँ कि उनकी वजह से ही मैंने इनके ख़ानदान का है वो अखबार मसावात, इनके फोर्स करने पे, बल्कि बीबी थोड़ा हर्ट भी हुई, आँखों में आंसू आ गए कि आपको नहीं पता कि बाबा पापा मसावात को अपना तीसरा बेटा कहते थे, जो आप कह रहे हैं मैंने नहीं, मैंने कहा बीबी मैं इनकार नहीं कर रहा, ये मेरी दुनिया नहीं है, मुझे डेली जर्नलिज्म का तजर्बा नहीं था उस वक्त, मैं पीरियडिकल्स में वीकलीज मंथलीज ये, तो मैंने कहा बीबी मेरा कोई एक्सपोजर नहीं है, मैं डेली जर्नलिज्म से वाकिफ नहीं हूँ, इसलिए मैं माजरत कर रहा हूँ भाई। एनी वे वो लंबी कहानी हो जाएगी, आई वॉज फर्स्ट तो आई टुक ओवर मसावात, वो एक अलग बात है। तो मेरा ख्याल है अपने वालिद के अलावा उन्होंने ज़िंदगी में इतना ज़बरदस्त कॉम्प्लीमेंट किसी को नहीं दिया जो किताबों में मौजूद है।